आज का पहला पाठ नबी साइस का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 1-7। यह न तो चिल्लाता और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। ये मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। ये न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। ये न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, वही प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं तो वह मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। अनुवाक्य, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है।